हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा इको हो गया था, तो इसीलिए मैं ऐसे वॉइस ओवर से बोल रहा हूँ। सो हेलो, सो इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माय मॉडरेट एसएमबी एस यूट्यूब गाइडलाइन। भाई वो वीडियो क्या जिसमें सेल्फ प्रोक्लेम ना हो। सो इस वीडियो पे मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया एंड इसे बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। तो भाई, और इस वीडियो की लाइक टारगेट होने वाला है 106, यानी कि 106। इट्स नॉट जस्ट ए नंबर, इट्स ए इमोशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, डे वन पे भाई मैं यहाँ पे स्पॉन हो जाता हूँ लॉबी पे, और लॉबी पे मुझे कुछ स्टार्टर रिसोर्सेज मिलता है जो कि भाई किसी काम का नहीं था। हाँ, क्योंकि मैंने इसे स्टार्टिंग पे सेट किया है, और यहाँ पे मुझे क्राफ्टिंग टेबल वाला अचीवमेंट भी मिला है। सो यहाँ पे कितने सारे कस्टम अचीवमेंट है, और यहाँ पे मैंने गेमिंग इंडिया से थोड़ा बहुत खाना वाना ले लिया था। चलो, फ्री के फूड मिल गया है, और इन भाई सब ने मुझे एक ब्लास्ट फर्नेस भी दिया था। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो यहाँ पे किसी का भाई अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस है। चलो कोई नहीं, डोंट स्टील भाई, स्टील करने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे भाई टॉक्सिक नहीं रहना भाई, फ्रेंडली रहना सबके साथ। सो भाई यहाँ पे भाई लोग तो चैट पे एक दूसरे के मदद भी कर रहा था। पैसा ही पैसा होगा। और मैं यहाँ पे भाई वुड कलेक्ट करने में लग चुका हूँ। यहाँ पे फूड्स की काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है, सो मुझे यहाँ पे जितना हो सके उतना ज्यादा हैवी लेना होगा। ओह भाई, अभी भाई इंसान क्या भाई, अभी भाई जो भी मिलेगा वही लेना पड़ेगा। आई मीन भाई काउ बन चुके अभी हम लोग हैवी ले रहे हैं, और हैवी लेते थे यहाँ पे एक हैवी वाला मॉन्स्टर भी आ गया था। और मैंने अपने लिए एक बढ़िया सा स्पॉट भी चूज कर लिया है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा एसएमबी के सबसे बेकार हाउस, ये ताकि भाई किसी को ना लगे कि उसकी हाउस सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे कोई और बेकार हाउस भी एग्जिस्ट करने वाला है। एंड बातों में मैं भी इसे मार देता हूँ। सो अब मुझे बस इस जगह को थोड़ा सा क्लियर करने होगा, जस्ट लाइक सी क्लियर माई इन्वेंट्री। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कर चलो पर्सनल एक्सपीरियंस। सो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मॉन्स्टर और इंडियन गेमर के साथ फाइट करने के लिए। और यहाँ पे कोई एंचेंटेड बॉस था, और इसके साथ फाइट करने के लिए भाई अपने को बढ़िया आर्मर चाहिए था। और मैंने क्या किया भाई, गोल्ड के आर्मर बनाया है भाई। अमीरी देखो। तो इस बॉस का खासियत है, जैसे ये बुक को भाई क्लोज कर गया, इसको कोई भी डैमेज नहीं लगने वाला। तो तुम्हें वेट करना है भाई इसकी बुक को खोलने के लिए। और मुझे पता है भाई मैं काफ़ी ज़्यादा मरने वाला हूँ इतनी बेकार आर्मर के साथ। ओके भाई, तो जल्दी से मैं ये इनके स्पॉनर भी तोड़ देता हूँ। भाई काफ़ी ज़्यादा ये मॉन्स्टर एनोइंग है, उससे ज़्यादा एनोइंग तो ये छोटे बच्चे हैं भाई। ओके गाइस, तो बस एक बार खोल जाइए, खोल दे खोल दे खोल दे यार, आई जी ऑल्सो टेल हार खोल दे बस सीने बस। खैर छोड़ो। और यहाँ पे मैं भाई इनसे भाई बॉस लूट चुरा लेता हूँ। या भाई मैं मार ना सकूँ, भाई चुराने में सबसे एक्सपर्ट होने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं जल्दी से भाई थोड़े बहुत डायमंड ले लेता हूँ। वो भाई डायमंड तो मिला था, उसके साथ साथ मुझे यहाँ के एडवांसमेंट भी मिल गया है, डायमंड क्वेस्ट। चलो कोई नहीं। एंड भाई ओके, सो हम लोग थोड़े बहुत अंडरग्राउंड भी घूमने आए थे, क्योंकि अपने को भाई थोड़ा सोल की ज़रूरत था। ऊपर एक लीच बॉस की अल्टर है, तो सोल कलेक्ट करने के चक्कर में मैं अपनी भाई सोल निकालने आ गया था। हो भाई कि मैं काफ़ी ज़्यादा भाई परेशान हो गया था। खैर छोड़ो, तो किसी तरह से भाई मैं वहाँ से निकल गया था, और यहाँ पे लीच बॉस भी इन लोगों ने समॉन कर दिया था। ओके, तो अब बस मुझे इसे मारना है। भाई मैं अकेला थोड़ा हूँ भाई, वैसे भी मैं मर मर के मरने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरा ही भाई निशाना काफ़ी बढ़िया था। सो भाई मुझे यहाँ पे भाई लीच के सामान मिल जाता है, मेनली मुझे ये नेकलेस लेना था। चलो जल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये नेकलेस अपने हाथ पे आना चाहिए था। और इस नेकलेस की खासियत मैं बताता हूँ भाई, इसको भाई 10 सेकंड के लिए स्पेक्ट्रेट मोड मिल जाता है। यस, तो भाई ये नेकलेस काफ़ी ज़्यादा ही ओपी है, और इसको बाद में भाई हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं, एंड इसको मैं बैंड भी करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे भाई ये लोग भाई पूछ रहे थे क्या क्या मिला है, तो मैंने इन्हें भाई आई दिखा दिया है। तो इसके बाद मैं घर बनाने लग जाता हूँ, सबसे बेकार वाला हाउस। एंड देन मुझे लगता है कि भाई मैं यहाँ पे अच्छे ब्लॉक की यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मुझे बेकार के हाउस बनाना है, तो मुझे कुछ बेकार के ब्लॉक ढूंढना है। पहले तो मैंने सोचा डर्ट बनाऊंगा, बट खैर छोड़ो, डर्ट से क्या काम होगा भाई। सो मैंने यहाँ पे भाई मौसी वाला लॉक ले लिया है एक बंदे के बेस से, वैसे ऐसे वैसे नहीं लिया हूँ भाई, मैंने वहाँ पे एक और ट्री लगा के गया हूँ। और हाँ, जिन लोग भाई बैंड हो चुके भाई, उन लोगों को भाई अगले एसएमपी में भाई अनबैंड मिलेगा। इस एसएमबी में भाई अभी भाई बहुत कम लोग एक्टिव रहने वाला है, पहले ही मैं बता देता हूँ। सो मैंने अपनी बेकार हाउस को काफ़ी हद तक बिल्ड कर दिया था। यस, ये भाई हाउस है जो मैं अपनी दूसरे वीडियोस पे भाई बेकार बेकार नुबरे नुबरे बोलता था। और यहाँ पे एक बॉस भी स्पॉन हो गया था जो कि भाई पानी के अंदर था, इसका एक एडवांटेज मुझे मिल गया है। अगर ये अपनी मेन अटैक करता तो मैं एक ही बार में मर सकता हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से भाई ख़त्म कर रहा हूँ। पानी के अंदर होने की वजह से ये अपनी मैजिक नहीं यूज़ कर पाया, तो भाई मैं मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल गया था।
और इसके बाद मैं थोड़ा सा एडवेंचर पे निकल जाता हूँ। बट हाँ भाई, यहाँ पे भाई एडवेंचर करना बेकार है। मतलब भाई अपने आसपास के जितने भी चंग है सारे लोडेड है और सभी ने भाई कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो लूट के रखा है। भाई कोई भी स्ट्रक्चर भाई बिना लूटा हुआ नहीं है, जस्ट लाइक हर। ओके सो ये ब्रिज देख के तो भाई पता ही चल चुका है मेरे से पहले कोई और लूट चुका है। या चलो एक स्ट्रक्चर मिला जिसमें भाई गोल्डन एप्पल मिला है, चलो कोई नहीं। और उसके साथ साथ अब मैं भाई आ चुका हूँ थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए। बट अपनी किस्मत बहुत ख़राब है भाई, लोगों ने भाई हर जगह टॉर्चेज मॉर्चेज लगा के रखा है। और यहाँ पे मुझे भाई SMB की सबसे बेस्ट चीज़ मिला है जो कि गॉबलिन ट्रेड रॉड। इसकी भाई ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ही OP है। सो मैंने इससे भाई एक फॉर्चून की पिकैक्स ले लिया था और एक मैंने सीआरएस बना लिया है क्योंकि मैं अभी मकड़ी के जाली कलेक्ट करने वाला हूँ। भाई ये जाली नहीं है, ये भाई खजाना है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो SMB में आया था क्विक ट्रैवल, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो इससे मन से मैं 2 TP हो सकता हूँ, तो भाई चलो इससे TP होते हैं। ओके मैं बेडरॉक पे स्टक हो गया था। सो भाई पता नहीं किस बेकार ने बनाया ये TP सिस्टम। ओके सो अब मैं आ चुका हूँ भाई एक स्ट्रक्चर लूटने। सो ये वही स्ट्रक्चर है जो लीज वाला स्ट्रक्चर था। इसके अंदर मुझे भाई डायमंड के ब्लॉक मिलने वाला है, या ब्लॉक नहीं ओर मिलने वाला है। सो भाई वो कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं केप पे चला जाता हूँ। और केप पे भाई अपने को वार्डन का चचेरा भाई मिल जाता है जो कि भाई मुझे बहुत गंदा होता है भाई। और फाइनली भाई मैं ऐसे किसी भी तरह से भाई धो देता हूँ, बट इससे भाई मुझे कुछ भी काम का चीज़ नहीं मिला। चलो भाई वार्डन 60 मिलता तो और भी बढ़िया होता है भाई, ये क्या बेकार चीज़ मिला है, ये बस चीज़ों का बेकार कर देता है। सो इसके बाद मैं कलेक्ट करने जाता हूँ स्टार डस्ट ओर। भाई SMB के सबसे मोस्ट पावरफुल ओर्स में से है, तो इसको जल्दी से भाई कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके भाई तो अपने पास आ चुका था भाई स्टार डस्ट, और इसको बनाने के लिए भाई इसको भाई स्मेल करना पड़ेगा, फिर इसके इंगोट बनाना होगा जिसके लिए भाई मुझे काफ़ी सारी नेदर राइट चाहिए। तो भाई ये ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था सिल्टस से, आई डोंट नो क्यू, बट हाँ सिल्टस से तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था। सो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ सिल्टस के साथ ही। हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको फॉर्चून से तोड़ूंगा, बट भाई पता चला कि इसमें फॉर्चून काम ही नहीं करता। इसके बाद मैं चला जाता हूँ भाई हाँ डायमंड कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं नेदरराइट की इनगॉट निकाल लेता हूँ एक गॉब्लिन ट्रेडर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी ट्रेड था। उसके बाद मैं फिर से चला जाता हूँ मकड़ी की जाली कलेक्ट करने के लिए। भाई ये ऐसा वैसा जाली नहीं है, ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर मिला था जिसमें भाई क्रीपर स्पॉनर था जो कि मैंने तोड़ दिया है। एंड मैं फिर से कंटिन्यू रखता हूँ भाई माइनिंग को। सो यहाँ से भाई अपने को मिल जाता है भाई क्या बोलते इसे लूट। सो यहाँ पे अपने को मिल जाता है लूट और हेटर की फैक्ट्रो। सो यहाँ से भाई एक मैं चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ एंड देन मैं माइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोसेस इन्वेंट किया था, वैसे ये इन्वेंटेड नहीं है, एडिटेड प्रोसेस है। तो देखो मैंने एक स्ट्रिप माइन किया है, जब तक मुझे डायमंड नहीं मिलता मैं ये स्ट्रिप माइनिंग कंटिन्यू करूँगा। एंड देन मैं यहाँ पे भाई माइन करूँगा, एक एक करके एक छोटा सा रूम बनाऊँगा एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के। सो अब इसका क्या फ़ायदा होगा मैं दिखाता हूँ भाई, अगर आसपास के चंक के अंदर कोई भी डायमंड होना तो भाई वो दिख जाएगा। जब तक मैंने भाई जब मैं माइनर है भाई यूज़ करता तो मुझे पता है भाई डायमंड इतनी जल्दी भाई स्पॉन नहीं होते। ओके सो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत डायमंड मिल चुका था, चलो ये ट्रिक थोड़ा सा काम करता है। एंड आई डोंट नो यहाँ पे कितने ज़्यादा डायमंड है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये फॉर्चून काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। ओके एक मिला एंड इससे देखते हैं भाई कितना मिलता है, जल्दी भाई इसको कम हो। ओके भाई 4-5 मिल गया, 3-4 मिल गया। ओके सो मैं इसको भाई ऐसे भाई माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ भाई। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ भाई मेरे पास आ चुका है 56 डायमंड, मतलब 56 डायमंड। ओ भाई फॉर्चून होने का भाई ये सबसे बेस्ट फायदा है। अब अपना नेक्स्ट टास्क से भाई स्टार्टर्स के आर्मर बनाना है। एंड उससे पहले भाई मैं यहाँ पे एक पीस की साइन दे देता हूँ उल्टा टी, कुछ और गलत मत सोचना, ये बस पीस की साइन है उल्टा टी। और उसके साथ साथ गाइस अभी स्टार्टर्स पे फोकस करते हैं। चलो सो मेरे पास थोड़ा बहुत स्टार्टर्स की नगेट था, तो इनको मैं यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए देता हूँ। और देन मैं यहाँ पे भाई एक नेदरराइट की चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। ये जो नेदर स्मिथिंग अपग्रेडर है ये मैंने मॉन्स्टर से खरीदा था, तो यहाँ पे मेरे पास एक इनगट आ गया था, तो मुझे किसी के पास फोर्च पे जाना है, तो इसके मैं फोर्च यूज़ करना चाहता था बट इसने तो अपनी हाउस ही लॉक कर दिया है, इसके मतलब कीड़ा ने। और उसके बाद मैं चला जाता मॉन्स्टर के पास। सो मॉन्स्टर के पास जाने के बाद मैंने उसके पास तो स्टार्डस्ट की चेस्ट प्लेट बना लिया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ।
उसके बाद मैं आ जाता हूँ आर्टिस्ट की बेस पे, क्योंकि इसके पास है मेंडिंग और मैं इससे मेंडिंग भी ट्रेड कर लेता हूँ और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है एक डायमंड पे, सो मैं इसे डबल कर देता हूँ क्योंकि भाई ये कुछ ज़्यादा सस्ता है। आई थिंक इसके पास इन्फेक्टेड विलेजर होगा जिसको क्यों किया होगा। और इसके बाद मैं एक और प्लेयर के पीछे पीछे जा रहा था, उसको थोड़ा सा भाई परेशान कर रहा था, कह सकते हो भाई यहाँ पे हमने पूरी तरह से फुल टू टाइम पास किया था। बाकी क्या छोड़ो, तो ये मेरी आदत है। और उसके साथ साथ गाइस आप भी इसको लाइक कर दो, ये भी एक आदत बना लो। तो इसके बाद मैं आता हूँ भाई नेदर पे। सो नेदर पे मुझे चाहिए था एंसेंट डैबरीज, और इस एंसेंट डैबरीज को माइंड करने के लिए मुझे चाहिए बेट। सो ये बेट देख कर तो भाई तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि आगे के काम क्या होने वाला है, या हम लोग भाई करने वाले जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते अभी तक, बेट तोड़ना। सो मैंने यहाँ पे भाई बहुत सारे बेट तोड़ दिया जिससे भाई मुझे काफी सारा एंसेंट डैबरीज मिला था। बट मेरी बैट लग यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बैट था, क्योंकि भाई हर बार मैं आग पे जले जा रहा और उसके बाद ऊपर से मेरे पास खाने की कमी हो रहा था और एंसेंट डेब्रिस तो भाई बहुत कम मिल रहा था मुझे। सो इसके बाद मैं आ जाता हूँ टू गॉब्लिन ट्रेडर के पास। अब इसके पास भाई एक का डबल की स्कैम है। सो बाकी जब मैं एक स्कैम लेने जा रहा था, पता चला कि मेरे से पहले कोई इसे स्कैम करके निकल गया। चलो सो इसके बाद मैं थोड़ा बहुत नेदरराइट स्क्रैप बना लेता हूँ। सो गॉब्लिन ट्रेडर के बाद ट्रेड करके सो उससे भाई एक का डबल हो गया। एंड उसके बाद मैं थोड़े बहुत स्टार्टस की ओर तोड़ लेता हूँ जो कि मैंने सिल्टस से कलेक्ट किया था। एंड यहाँ पे भाई बन जाता है मेरा स्टार्टस की इनगॉड, और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एंड फाइनली मैंने अपनी सारी चीज़ों को अपग्रेड कर दिया और फोर्ज वाले टेबल के पास गया, या आप कह सकते हो भाई एनविल। तो यहाँ से मैंने फोर्स टू स्टार्डस्ट कर दिया है, और बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे स्वॉर्ड काम नहीं करता, उसने में यहाँ पे कीड़ा आ गया था। और कीड़ा मैं मॉन्स्टर तीनों मिलकर हम लोग गए थे भाई बॉस फाइट करने के लिए, और यहाँ पे मैं ज़्यादा मेंबर नहीं ला सकता था क्योंकि भाई लैग हो जाता बहुत ज़्यादा। वैसे भाई ये ग्रुप यार ग्रुप क्या भाई SMB बहुत ज़्यादा लैग सह रहा है, और मैं यहाँ पे भाई खड़ा था। आप भी सोच रहे हो कि मैं अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया, भाई इन लोगों को थोड़ा पता नहीं होगा मेडुसा भाई वन शॉट किल कर सकता है। यस जब एडिशन पे हमें भाई नीचे देखना पड़ता है, मेडुसा की आंखों में नहीं देख सकते, बट पॉकेट एडिशन में भाई पता नहीं ये किस तरीके की चीज़ें हैं, बट अपने को भाई बिना देखे भी डैमेज लग जाता है। और यहाँ भी कोई भी ब्लाइंड फॉल्ट मुझे दिखाया नहीं जिसके वजह से भाई मैं बच सकूँ मेडुसा से। सो भाई मैंने थोड़ा सा रिक्स लेके मारा, एंड ऑब्वियसली भाई यहाँ पे भाई हार्डकोर नहीं है, कीप इन्वेंटरी ऑन है, सो रिक्स लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता, बस अपनी रिस्पॉन पॉइंट सेट करके रखो। और यहाँ पे लाशें तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही आ चुका है, भाई लाशें ही लाशें भर चुका है। और यहाँ पे हम लोग की भाई स्टोन भी बन चुका था, सो भाई बॉस तो भाई मर चुका था। सो इसके बाद मैं आ जाता हूँ पांडा बॉस के पास। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉसेस हैं लिटरली, भाई मैं इस वाले वीडियो पे मैं बस 20% ही बॉस मार चुका हूँ, और पांडा बॉस के साथ फाइट मैंने काफ़ी देर तक किया था, कुंभ पांडा हो रहा था अपने साथ। तो मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, अपने को हील करता हूँ, एंड पांडा बॉस को भी अपने पास बुला लेता हूँ। और यहाँ पे मैं भाई काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा था अच्छी तरह से, और पांडा बॉस भी दे रहा था, एंड फाइनली मैंने यहाँ पे पांडा बॉस को भी डाउन कर दिया है, जस्ट लाइक माय लक डाउन टू मी। खैर छोड़ो भाई, ऐसा भाई हो जाता कभी, अपने किस्मत में अपने को कि बहुत ज़्यादा ही डाउन करता है, तो मैंने भी इसे डाउन कर दिया है। तो अब मेरे पास आ चुका था पांडा की थोड़े बहुत शार्ट और उसकी चेस्ट प्लेट। देर हम लोग आ जाते भाई स्पाइडर क्वीन के पास, और स्पाइडर क्वीन भाई कुछ ज़्यादा ही अनोइंग था क्योंकि भाई ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इससे ज़्यादा इसके बच्चे स्ट्रॉन्ग थे। देखो तो मैं इन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो भाई क्वीन के डेथ के हो जाने के बाद निकलता है, इनको भाई रोके रखना बहुत मुश्किल है, और एक बार ये ग्रो हो जाए तो काफ़ी बढ़िया है, बड़ा हो जाए तो ये बन जाता है केप स्पाइडर। वैसे जब तक काटता नहीं है इस केप स्पाइडर से कोई दिक्कत नहीं है, और स्पाइडर है भाई इसका कोई मूड की भी भरोसा नहीं कब ये मार दे। और फिर हम लोग जाते हैं एक बड़ी सी जगह पे, छोटी सी जगह पे जहाँ पे भाई बहुत सारे चेस्ट थे, और ये सारे चेस्ट भाई एक ट्रैप था। जैसे मैं किसी भी चेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक चेस्ट मॉन्स्टर स्पॉन हो रहा है, और इसी चेस्ट मॉन्स्टर की वजह से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। वैसे ये लोग डैमेज तो काफ़ी बढ़िया दे रहा था ऊपर। ओके गाइस, तो इसके बाद मैं एक बुक वाले मॉन्स्टर की बेस के पास आ जाता हूँ, बॉस के बेस के पास, और ये बस बुके स्पॉन किया जा रहा था, सो फाइनली इसको भी मैं मार देता हूँ। और इसकी बुके से मुझे थोड़े बहुत एन्चैंटमेंट बुक्स भी मिल रहा था, सो मैंने यहाँ से थोड़े बहुत एन्चैंटमेंट बुक्स भी कलेक्ट कर लिया ताकि आगे जाके ये काम भी आ सके। और इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ मिनाटोर की भाई डेंजन की ओर, जिस जहाँ पे भाई कीड़ा और मॉन्स्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इसके साथ फिर मैंने भी इन्हें ज्वाइन किया, और मिनाटोर की भाई फाइट काफ़ी बढ़िया चल रहा था, और यहीं पर इसने भाई अपने मिनियंस को भी समन कर दिया था। एक तो इसके मिनियंस काफ़ी ज़्यादा हेल्थ है,
और इसका तो भाई है ही ज्यादा हेल्थ। एंड यहाँ पे भाई काफी ज्यादा भाई बुरी बात है कि ये मॉड काफी ज्यादा ही बैकडेट है, जिसके वजह से भाई अपने को भाई बॉस से कोई भी लूट वूट नहीं मिलता था। और मैं यहाँ पे मिनाटो के चेले को थोड़ा सा संभाल रहा था, फिर मैं भी यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। बैक की तो इसकी भाई हेल्थ काफी कम था, तो मैंने भी इसको डाउन कर दिया है। और इससे ना ही हमें एक्सी मिला, ना ही भाई अपने को कोई लूट मिला, उल्टा अपने आर्मरी डैमेज हो गया। और इस वाले बैक्स के पास तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इन लोगों ने भाई शरीर खत्म कर दिया। ओके, सो ज़्यादा बंदे होने की वजह से बॉस फाइट कुछ इस टाइप से हो रहा था। और इसके बाद हम लोग पहुँच जाते एक सही से भाई सीरियस वाले बॉस के डंजन पे, क्योंकि इसके भाई जो मूव से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो इसकी उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं देता, बट हाँ इसकी एक प्रोजेक्टाइल पावर है, सो उसके लिए अपने को भाई थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए और भाई एक जगह पे खड़े नहीं रहना चाहिए भाई। ओके ये चार्ज हुआ, ओके कैंसिल भी हो गया। वाह भाई क्या बात है भाई, मेरे टाइम पर यह कभी कैंसिल नहीं हुआ है। ओके सो हम दोनों भाई इसे मारने में भाई फोकस करते पूरी तरह से, और मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। बाकी भाई देखो भाई ये कैसे ये मुझे एक ही डैमेज पे मार सकता है। ओके सो यहाँ पे इसकी मिनियंस भी आ चुका था, जो कि भाई अपने को भाई फायर दे रहा था, और उतनी हेल्थ होने के बावजूद मैं मर जाता हूँ। सो उस वाले बॉस को तो हम लोगों ने मार दिया। एंड एज ऑलवेज मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गया था, ही। तो यहाँ पे भाई आया थे एक बॉस के साथ फाइट करने के लिए। देखो ये बस एक ट्रैप है, जैसे जैसे मैं खोलूंगा भाई यहाँ पे एक बॉस स्पॉन हो जाएगा, या हो गया ना। तो ये है विलेजर, ये विलेजर भाई अपनी डुप्लीकेट बनाता है, और भाई देखो बिल्कुल वेंडिकेटर या क्या बोलता हूँ इवो करके जैसे कुछ स्पॉन करते हैं। तो इसको भाई मारना पड़ेगा। ओके गाइस, और ये अपने को बहुत बार मार चुके हैं, तो वेंडिकेटर ये विलेजर को मारने के लिए अपने को भाई इसके सारे क्लोन्स को मारना पड़ेगा, देन में इसको मार सकते हैं, वरना भाई ये मिक्स हो जाएंगे। ओके डेथ ईटर भाई, ये लोग भी थोड़ा एनोइंग है, जब भी कोई प्लेयर मरता है तो यहाँ पे डेथ ईटर स्पॉन हो जाते हैं, जैसे कि मैं मर गया और यहाँ पे मेरा भी डेथ ईटर आ चुका होगा। या आई एम क्वाइट श्योर। सो यहाँ पे विलेजर की हेल्थ बहुत कम हो जाते हैं, एंड फाइनली इसे हम लोग मार भी देते हैं। ओके गाइस, इसके कॉपीज को भी यहाँ से हटा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पॉन देगा तो भाई वही होगा असली विलेजर। तो पहले तो मैं भाई इन लोगों को थोड़ा चुप करवाता हूँ, ये लोग को ज़्यादा ही दिक्कतें दे रहे हैं। ओके सो मुझे यहाँ पे विलेजर की सारे लूट भी मिल जाता है। ओके चलो ये भी गया। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के लूट देखते हैं किसके पास कितना माल पानी है। सो मैं अपनी विलेजर वाली स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ, और इसे भाई पार्क में पता चला कि पेडस्टाइल के ऊपर रखना पड़ता है तभी ये सही से दिखता है, क्योंकि भाई मैं इसे नॉर्मली ग्राउंड पे रखा था तो इसकी भाई टेक्सचर बहुत ग्लिच कर रहा था। और उसके बाद हम लोग किसी ओरिक वाले बॉस के पास चल जाते हैं। वैसे तो ये बॉस देखने में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा था भाई, बट हाँ इसकी जब ये वाली अटैक होता ना भाई ये अच्छे अच्छे को भी मार सकता है, ये वाले अटैक से हमसे बच के रहना है। ओके सो मैं भी मर गया हूँ भाई। सो फाइनली भाई इसको हम लोगों ने थोड़े बहुत तो हाफ एज पे से भी कम किया दिया था, और फाइनली इसको मार भी दिया। और इस वाले बॉस को गोल्ड से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो इसके बेस में देखो हर तरह गोल्ड ही गोल्ड है, इसकी इन्वेंट्री में भी गोल्ड ही था जो तो इसने ड्रॉप दिया है। ओके गाइस, तो इसके बाद मैं इसकी सारी चीज़ें कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे भाई एक लास्ट बॉस बचा रहता है, जो कि है नारगास। आप इसको मारना थोड़ा सा भाई टफ होगा, क्योंकि भाई अगर तुम्हें पता होगा कि नारगास क्या है तो भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नारगास भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे नहीं वन ऑफ द पावरफुल बॉस। ओके सो इसकी मिनियन से ज़्यादा खतरा है, और इसकी जो फ्लावर वाली प्रोजेक्टाइल है उससे भी ज़्यादा खतरा है। ये इवोकर की जैसे भाई कुछ समॉन भी कर सकते हैं मान ज़मीन के नीचे से, और मुझे यहाँ पे एन्चेंटर की भी हेल्थ दिख रहा था। ओ भाई एन्चेंटर को हम लोगों ने तो पहले भी मार चुके हैं, अभी एन्चेंटर मेन चीज़ नहीं है। सो मुझे पहले भाई नारगास को मारना होगा, एंड इसके लिए भाई मैं थोड़ा सा अपने को हेल्थ रिकवर करके आता हूँ। ओके आई थिंक इतना काफ़ी होगा, और यहाँ पे भाई मॉन्स्टर ने ऑलमोस्ट नारगास को मार दिया है। और फाइनली गाइस तो यहाँ पे नारगास भी ख़त्म हो चुका है। ओके अभी भी थोड़ा सा इसमें जान है, तो पहले इसको मार देते हैं। ओके सारा जान जा चुका है, तो अब इससे भाई इसके लूट भी मिल जाएंगे। ओके सो लूट से मुझे बस इसके कुछ चीज़ें चाहिए, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा काम की है। और राइट गाइस, तो यहाँ पे कीड़ा भी ज्वाइन कर देता है, और यहाँ पे नारगास बॉस के साथ फाइट भी होता है। तो यहाँ पे हम दोनों के पास दो दो वांड आ चुका था,
तो मैं इस पे भाई वन टेस्ट कर रहा था कि किसने भी मेरे ऊपर वन टेस्ट किया था। वैसे ये वन काफी ज्यादा ही बेकार है क्योंकि भाई ज्यादा पास रहोगे तो भाई ये तुम्हें भी डैमेज दे सकता है। सो गाइस यहाँ पे होता है वीडियो खत्म, मेरी 100 डेज कंप्लीट। आई नो मैंने बेस पे कुछ काम नहीं किया था, यहाँ पे बहुत सारे बॉसेस भी बचे हैं। तो इस एसएमबी में भाई मैं अभी खेलने वाला हूँ, तो अगर आपको खेलना है, ज्वाइन होना है, तो इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना। एंड इसके साथ साथ गाइस एसएमबी में भाई टॉक्सिक नहीं बनना है, और एंड पे हम लोग थोड़े बहुत पीवीवी खेल रहे थे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस टाइप की कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और बाय द वे मैं ये पीवीपी मैच हार भी जाता हूँ।